जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। मौसम को लेकर आप सभी के लिए जरूरी सूचना है। यास चक्रवात आने वाला है और इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। चक्रवात का असर कितना जोरदार होगा यह मौसम विभाग के द्वारा बता दिया गया है। वहीं आम जनों पर भी इसका प्रभाव कम करने के लिए सरकार के मंत्री और अधिकारी जुट गए हैं। आइए पहले मौसम विभाग के विशेषज्ञ से जानते हैं कि झारखंड में इसका असर कब और कहां पड़ने वाला है। और जिसका मूवमेंट होगा वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होगा और 25 तारीख को ये और इंटेंसिफाई होते हुए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और 26 तारीख को सुबह में ये इंटेंसिफाई होते हुए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मूव करते हुए ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल नियर वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा और बांग्लादेश कोस्ट के पास पहुँचेगा और 26 के शाम तक में ये वेस्ट बंगाल नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग बांग्लादेश कोस्ट से ये होके गुजरेगा। अब बात करते हैं झारखंड पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 25 तारीख को झारखंड पे लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। साथ साथ में कुछ एक इलाके हैं जो दक्षिण पूर्वी झारखंड के जहाँ पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। 26 तारीख में झारखंड में कुछ कुछ इलाकों में वेरी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। कुछ कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा और लगभग सभी इलाकों में आपको अच्छी खासी बारिश 26 तारीख को देखने को मिलेगी। यही हाल 27 तारीख को में भी झारखंड में रहने की संभावना है। 28 तारीख को जो बारिश है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी और 28 शाम से जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। भारी बारिश के समय जो है आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जो 25, 26, 27, 28 हैं ये चारों दिन आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट देखने को मिलेंगे। साथ साथ इस समय जो विंड्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी और थंडरस्टॉर्म के समय 40-50 किलोमीटर पर आवर की विंड चलती हुई दिखेगी और ये गस्टिंग टू 60-65 तक भी किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकने की इसकी संभावना है। यास चक्रवात को लेकर भले ही झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग अभी तक हरकत में नहीं आई है लेकिन सरकार के कृषि मंत्री एक्टिव हो गए हैं। बादल पत्रलेख ने जरमुंडी जाकर अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी की। जो आपदा के रहते हुए एक नई चक्रवात आ रही है इससे एहतियात यदि लोगों को जागरूक करें तो जान माल की जो भारी क्षति हो सकती है उससे बचा जा सकता है और यदि किसी भी चीज़ की पूर्व में तैयारी किया गया हो माइक्रो प्लानिंग किया गया हो तो उससे निपटने में आसानी होती है। कल से यहाँ के संबंधित सभी जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता हमारे चौकीदार भाई हमारे पंचायत सेवक रोजगार सेवक सब लोग इसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे कि यदि स्थिति विषम परिस्थिति हमारे सामने आई तो इस कोविड के दरमियान हमें पैनिक नहीं होना है। हमें साहस से जुटना है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार का अंग होने के नाते मैं और मेरे सारे पदाधिकारी लोगों के साथ खड़े हैं। कहीं भी किसी तरह की घटना हो उसकी सूचना आप तुरंत इस थाने में जरमुंडी थाने में दुमका में कहीं भी दे सकते हैं। राज्य में हम लोग तुरंत वहां पर सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। यह 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगी। यास का असर झारखंड पर भी देखने की संभावना है। ऐसे में लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। यास चक्रवात को लेकर आपको और भी अपडेट देंगे। एक और जरूरी बात, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप अपने इलाके में हो रहे मौसम से जुड़े बदलावों को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। जुड़े रहें लोकल खबर के साथ।